बेटा आप लोगों ने प्रॉब्लम पूछी थी मेरे से, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों 14 जो क्वेश्चन है आपके पास, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अति प्रबलय चल रहा था। अति प्रबलय की समीकरण बतानी है, अगर आपके शीर्ष प्लस माइनस 7 0, तो बेटा शीर्ष आपको कहीं पे एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहे, तो सबसे पहले प्रबलय अति प्रबलय का जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। सबसे पहली बात तो यही होगी। यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करो शीर्ष की, तो शीर्ष क्या होते हैं, प्लस माइनस ए 0 और ए बराबर आ गया आपके पास 7। मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो रही होगी। उसके बाद इसने कहा ई बराबर 4/3। उसके बाद इसने कहा है कि ई बराबर कितना कहा भाई इसने, ई बराबर यानी उत्केंद्रता 14वें क्वेश्चन की 4/3, तो E बराबर दिया है इसने 4/3। बेटा E इज इक्वल टू होता है आपके पास C अपॉन A, यही तो लिखवाया था भाई, E इज इक्वल टू आपको C अपॉन A। तो अगर E के हिसाब से हम देखें यहाँ, तो E की जो वैल्यू है आपने रखी 4/3 और C अपॉन A, A की वैल्यू 7 रखी है आपने, तो ए की वैल्यू आपने क्या रखी 7, तो सी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 28/3। ये आ गया बेटा सी, तो आपके पास ए भी है और सी भी है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि ए बराबर 7 है, सी बराबर 28/3 है। तो यहाँ आप जानते हो ए बी सी में संबंध, तो बेटा ए बी सी में जो संबंध है यहाँ वो है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो बेटा सी का जो मान है 28/3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से आप बी निकालोगे और ये आपके पास पहले से है ही 7, बी आप यहाँ से याद करोगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा आप लोगों एक क्वेश्चन आपने पूछा है बेटा 15वां क्वेश्चन, तो 15वें क्वेश्चन में क्या कहा इसने, नाभियां, तो नाभियां क्या है भाई 0 और प्लस माइनस √10। तो नाभि होगी 0 और प्लस माइनस √10 तथा 2-3 से होकर जाता है। तो बेटा पहले तो आप नाभि देखो, तो नाभि के अकॉर्डिंग कहाँ को है, वाई अक्ष के अनुदिश। तो बेटा अगर ये वाई अक्ष के अनुदिश है तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर नाभि की बात करें, तो नाभि क्या होती थी बेटा इसके अकॉर्डिंग 0 और प्लस माइनस सी। तो अगर आप कंपेरिजन करो तो सी बराबर √10, तो सी आ गया, लेकिन हमें तो ए और बी चाहिए। तो बच्चों इसने कहा है यह है अति प्रबलय, कहाँ से होके जा रहा भाई 2-3 से होकर जाता है। तो यह अगर 2-3 से होकर जाता है तो संतुष्ट कराओ। तो बेटा 2-3, तो y का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x, x का मान 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक इक्वेशन आ गई आपके पास, एक और बनाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर में। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर यानी 10। बेटा यहाँ से किसी एक का मान आप ज्ञात कर लो, चाहे तो आप यहाँ से बी स्क्वायर का मान ज्ञात कर लो 10 माइनस ए स्क्वायर, और कहाँ रख दो समीकरण 2 में। तो जब आप समीकरण 2 में रखोगे मान, तो बच्चों ये आएगा आपके पास 9/a² माइनस 4/b². तो b का मान है 10 माइनस ए स्क्वायर और बराबर है आपके पास 1। बेटा इसको कैलकुलेट करने का आप तरीका ढूंढो, वही क्या रहेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, चाहे तो आप एलसीएम लो यहाँ से ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर और 1 इधर मल्टीप्लाई करी 90-9a² माइनस 4a² इसी इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से आप देखते हो
कि 90 माइनस 9 और 4 13 ए स्क्वायर और इज इक्वल टू ये आया 10 ए स्क्वायर माइनस 10 ए की पावर 4। तो बेटा इसको आप इधर ले आओ सारे को, तो 10 ए की पावर 4 और 10 ए की पावर 4 माइनस 13 ए स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर और प्लस 90 इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, 10 ए की पावर 4 इधर आगे प्लस हो गया, 13 स्क्वायर एज इट इज उतारा 10 वाला, प्लस का 10 इधर आगे कैसा हो गया माइनस का 10 ए स्क्वायर और प्लस का 90 था ही ऐसे। तो बच्चों ये आया 10 ए की पावर 4 माइनस 13 और 10 23, 23 ए स्क्वायर और प्लस 90 बराबर 0, 90 दूसरा 900। बेटा 900 के ऐसे फैक्टर आप करो जिनका योग 23 हो। तो भाई इतनी कैलकुलेशन तो खुद करनी पड़ेगी आपको भाई। 900 के टुकड़े करने से पहले थोड़ा सा ऐसे मुझे गड़बड़ भी लग रहा, गड़बड़ ये लग रहा, ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करी तो 10 ए स्क्वायर और माइनस ए की पावर 4 ये। तो बच्चों ये 10 नहीं है यहाँ से, 10 ए की पावर 4 तो ए की पावर 4 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90। अब बेटा 90 के हम टुकड़े करेंगे यहाँ से जिनका टोटल 23 हो, तो मुझे लग रहा 18 और 5 ठीक रहेगा, 18 5 23 18 5 90 ठीक है भाई। तो आप इसको लिखेंगे ए की पावर 4 माइनस इसको आप लिखेंगे 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर और प्लस 90 और बराबर 0। यहाँ बेटा ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस 18 5 कॉमन लिया आपने, ए स्क्वायर माइनस 18 और बराबर आ गया 0। तो ए स्क्वायर माइनस 18 पूरे में से कॉमन लिया आपने, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 5 और बराबर आ गया आपके पास 0। यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, इसको और रख दे, तो यहाँ आप देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0, ए स्क्वायर बराबर 18 और ए बराबर आ गया आपके पास रूट 18। यहाँ आप देख रहे ए स्क्वायर बराबर 5 और ए बराबर आ गया आपके पास रूट 5। बच्चों ये जो अति प्रबलय है, अति प्रबलय में आप लोग याद करो यहाँ से यहाँ तक ए हुआ करता था और ये होता था सी, यानी सी बड़ा होता था ए छोटा होता था। तो बेटा ए छोटा होता था इसका मतलब ए ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि सी से बड़ा होगा, ये नहीं होगा बेटा ठीक है। ये क्या होगा ए बराबर रूट 5, ए बराबर अगर रूट 5 है तो आपने देखा यहाँ सी बी स्क्वायर बराबर 10 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 5, तो यहाँ से आप देखो 10 में से 5 गया 5 और बी बराबर गया अगर रूट 5, ए बराबर की रूट 5। तो बेटा इक्वेशन जो था आपके पास वो था वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 5 और बराबर अपन दिस इज द आंसर। तो बच्चों अब हम इसकी विविध प्रश्नावली पे चलते हैं, अभी देखते हैं विविध में भी क्या क्या है मामला, परिभाषा टाइप है इसमें क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं विविध प्रश्नावली 11 की। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया, यदि एक प्रबलयाकार प्रवर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर तो कैसा है बेटा, प्रबलयाकार पर वो ले तो प्रबलय है, तो प्रबलय के हिसाब से पहले आपने एक्सिस बना ली, बेटा एक्सिस बना लिया आपने एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। यदि एक प्रबलय प्रावर्तक, प्रावर्तक बेटा तुमने देखा छत वगैरह पे लगे हुए होते प्रबलय टाइप की छतरी ऐसी नहीं होती, वो जुगाड़ है। यदि एक प्रबलयाकार प्रवर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर गहराई 5 सेंटीमीटर, बेटा गहराई की बात कर रहा तो जाहिर सी बात है इस तरीके से होगा प्रबलय। तो इसका जो व्यास है, व्यास कितना कहा इसने, व्यास कहा है इसने 20 सेंटीमीटर। बेटा व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और इधर भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो रही बात, इसको आप मान लो ए, इसको आप मान लो बी, इसको आप मान लो सी, मामला सही हो गया। आगे बढ़ो, गहराई 5 सेंटीमीटर है तो गहराई 5 का मतलब सी से लेके इसको तो ओ मानना ही पड़ेगा,
ये दूरी होगी 5 सेंटीमीटर। और बेटा अब आप लिखेंगे चित्र के अनुसार परवलयाकार परावर्तक का जो समीकरण है, समीकरण कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा। ये जो भी आपका रिफ्लेक्टर है, ये परवलय टाइप का जो है, तो बेटा इसका जो इक्वेशन है, इसका जो समीकरण है, वो होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यानी परवलय का समीकरण होगा। अब बात ये कर रहा, सबसे पहले आप इस बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो बी के निर्देशांक कितने बेटा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कितना चले हम, यहाँ से यहाँ चलेगा 10, चलो। और वाई पे कितना चले हम, 5। तो इसके जो निर्देशांक है बी के, कितने होंगे, 10 होंगे। सोच लो आप लोग भाई, एक्स एक्सिस या उसके समांतर चली हुई दूरी, वाई या उसके समांतर चली हुई दूरी कितनी, 5। तो अब आप लिखेंगे कि बी के निर्देशांक कितने हैं, 10.5। बट इसके थ्योरी को समझने का प्रयास करना आपको भाई। ये जो 10.5 है बी, ये इस परवलय के ऊपर स्थित है, तो ये परवलय को क्या संतुष्ट करेगा। तो बी के निर्देशांक 10.5 है, अतः यह है परवलय एक को संतुष्ट करेगा। जब एक को संतुष्ट करेगा तो क्रॉस संतुष्ट हुए एक्स स्क्वायर, तो x का मतलब इट इज x और इट इज y, x का मतलब 10। तो ये आपके पास 10 का स्क्वायर बराबर 4ay, y का मान कितना आ गया आपके पास, 5। तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 चौक 20 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 5 आप कहाँ रख दो समीकरण एक में। तो समीकरण एक क्या थी बेटा आपकी, समीकरण एक थी x स्क्वायर बराबर 4ay। तो यहाँ आप लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो मान तो रखो भाई एक्स स्क्वायर बराबर 4a, a का मान जब आप रखेंगे तो 4a का मान यानी 5 चौक 20 y। समीकरण ये आपके परवलय की समीकरण है, परवलय यानी जो भी वो रिफ्लेक्टर टाइप जो भी कुछ है, उसका समीकरण आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 20 y। अब ये फाइनली पूछ रहा क्या तुम्हारे से, ये फाइनली आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तुम नाभि ज्ञात कीजिए। तो भाई इसकी जो नाभि है वो ज्ञात करनी। तो बेटा नाभि की अगर मैं बात करूं तो नाभि होगी क्या इसकी, बोलो। नाभि जो है इसकी, नाभि होगी इसकी 0.a, नहीं होगी 0.a। तो नाभि अगर 0.a होगी तो 0.a, ये का मान आपने अभी भी कितना ज्ञात करा भाई, 5। तो नाभि होगी इसकी 0.5। तो बेटा नाभि अगर 0.5 है तो चित्र के अकॉर्डिंग ये जो सी बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, सी के 0.5, वाई एक्स एक्सिस पे चला नहीं जा रहा, वाई पे 5। तो ये जो सी है ये कहे का काम करेगा, नाभि का। तो आप लिखोगे अतः चित्र अनुसार नाभि सी, और कितनी होगी, 0.5 होगी। और सी है क्या, इस व्यास का मध्य बिंदु, यानी इसकी जो नाभि है वो कहाँ पहुंच रही, व्यास के मध्य बिंदु में। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास का मध्य बिंदु ही इसकी नाभि कहलाएगा। तो बेटा मेन काम क्या है इसमें, कि आपको समीकरण पता होना चाहिए। और मेन ये है सबसे बड़ी बात, मान लो ये कोई परवलय है, इसका आपको समीकरण पता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और ये किसी बिंदु के निर्देशांक है 2, 3, तो ये इसको संतुष्ट करेंगे। बस ये है मेन चीज, अगर आपको किसी परवलय के समीकरण पता तो वो उसको संतुष्ट करेंगे, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे की, और भी है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे पास, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई दूसरा भी क्वेश्चन इसी के जैसा है, मैं दूसरा भी चलो थोड़ा सा तुम्हें बता ही दूं ताकि तुम और क्लियर सा हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में इसने बोला एक मेहराब परवलय के आकार का है। तो बेटा मेहराब जो होता है ये भी परवलय जैसा ही होता है, और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। तो ये जो मेहराब है अक्ष कैसा है, ऊर्ध्वाधर, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो बेटा ये है मेहराब ऐसे,
ये है भाई इस तरीके से मेरा दिख रहा ना भाई, तो कैसा है, परवले जैसा है। अब ये मंदिर मस्जिद वगैरह के जो ऊपर की गोलाई सी होती है ना, ये उसकी बात है मेन ना। तो ये कहता है एक मेहराब प्रवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर, तो अक्ष तो इसके अंदर ही आएगा भाई। चलो आगे बढ़ो। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है। तो मेहराब कितना ऊंचा है बेटा? 10 मीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है मेहराब की वो कितनी है? 10 मीटर। इसको आप सी ले लें, इसको आप ए ले लें, इसको आप बी ले लें, इसको आप ऐसे मिला दें, ओके, ये ओ ले लें, तो कितनी होगी गहराई ऊंचाई इसकी? 10 मीटर, ओके। अब ये कहता है और आधार में 5 मीटर चौड़ा है। आधार में कितना चौड़ा बेटा है? 5 मीटर। तो 5 मीटर का मतलब सीधी सी बात है इधर भी कितना? 5/2। और भाई इधर भी कितना भाई? 5/2। यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ो। परवलय के 2 मीटर की दूरी पर, परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? देखो भाई क्या कहा इसने, ये कहता है मेहराब का आकार तो हो ही गया ऊर्ध्वाधर, 10 मीटर ऊंचा है, आधार में 5 मीटर चौड़ा है, यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? देखो भाई, देखो यहाँ कितना चौड़ा है 5 मीटर, यहाँ कितना चौड़ा, कुछ कम होगा, यहाँ कुछ कम होगा, यहाँ कुछ कम होगा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमें ऐसे बतानी है, यहाँ ऐसे ये इसकी चौड़ाई को हमने मान ली डी ई। और कहाँ से है बेटा ये चौड़ाई? ये चौड़ाई है आपके पास शीर्ष से 2 मीटर, ये तो कहा है ना, परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर परवलय कितना चौड़ा होगा? ये थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। तो शीर्ष से 2 मीटर ही तो टोटल 10 है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर कह रहा है? केवल ये 2 मीटर की दूरी पर ये कितना चौड़ा है? तो शीर्ष से 2 मीटर चाहो आप, फिर देखो इसकी चौड़ाई कितनी है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आप क्या लिखो मेहराब का समीकरण। तो मेहराब का समीकरण कितना हो गया भाई? एक्स स्क्वायर बराबर, याद करो भाई, -4ay। तो मेहराब का जो समीकरण आया वो कितना आया? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। अब मेहराब के किसी एक बिंदु को ज्ञात करो, जैसे आपका बिंदु बी है तो बी के निर्देशांक क्या होंगे भाई? भाई एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी देखो कितनी है, एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है 5/2 पॉजिटिव, वाई पे चली गई दूरी देखो वाई पे किधर चल रही है? नेगेटिव, तो वाई में कितनी चल रही? 10। तो वाई पे चली गई दूरी कितनी है? 10, और वो भी कैसी? माइनस की। ठीक होगी बात। तो एक्स पे कितना चले हम? 5/2 प्लस, और वाई पे कितना चले? -10। तो आप लिखें यहाँ से बिंदु बी इसके निर्देशांक 5/2 और -10 है, इसके निर्देशांक एक्स एक्सिस पर कितने चले? 5/2 और वाई पे कितने चले? -10 है। इसे संतुष्ट करेंगे, कराओ भाई संतुष्ट। तो एक्स के बदले आप रखेंगे 5/2 पूरे का होल स्क्वायर -4ay और वाई पे भी -10। तो ये आ गया बेटा 25/4 बराबर 40ay। तो बंदे बंदे 25 5 8 40, 8 5/32। तो ये आया ए बराबर 5/8 32। और ये मान आपने कहा रख दिया? समीकरण एक में। बेटा जब ये मान समीकरण एक में आपने रखा तो ये आया एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ये का मान आपने रखा 5/32 इंटू वाई 4 8 32। तो ये आ गया बेटा 8x² बराबर -5y, समीकरण नंबर 2। तो ये आपके मेहराब का समीकरण आ गया 8x² बराबर -5y। यानी मेहराब का जो पाथ है ये रास्ता, इसका जो समीकरण आया वो समीकरण कितना आ गया? 8x² बराबर -5y। ये बात मुझे उम्मीद है पिछले क्वेश्चन से सीख ही चुके होंगे। अब ये कह रहा था 2 मीटर गहराई पर इसकी चौड़ाई कितनी है? तो भाई इसकी चौड़ाई आप 12 मान लो या x मान लो या l ही मान लो, चलो
अगर इसकी गहराई 2L है तो बेटा L इधर होगी, L इधर होगी, तो E के जो निर्देशांक है वो कितने होंगे, L यानी एक्सिस से चली गई दूरी, और Y, Y पे कितने बेटा -2। सोच लो खुद ही नहीं होंगे E के निर्देशांक L को -2, तो एक्स एक्सिस पे कितना चले L और Y पे कितना चले -2, L -2। तो समीकरण 2 को L -2 से संतुष्ट करा दो। थ्योरी तो खुद लिख दोगे, माना 2 मीटर की दूरी पर मेहराब की जो चौड़ाई है वो 2L है, अगर 2L चौड़ाई है तो E के निर्देशांक L -2 संतुष्ट कराओ। 8x2, तो x का जो मान है वो कितना बेटा L स्क्वायर, ठीक है, -5 इंटू y का जो मान है -2, तो -2, तो ये आया बच्चों यहाँ से, इधर लिख देगा चलो मैं यहाँ से, 8L² बराबर 10, और एल स्क्वायर बराबर 10/8, 10/8 का मतलब 5/4, तो एल बराबर √5/2, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2L बराबर √5, 2L ही तो थी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी √5, पहले चौड़ाई कितनी थी भाई इसकी 5, अब होगी √5, तो मुझे लगता है आंसर यही ठीक होगा। इसी कुछ मिसप्रिंट वगैरह हुई तो भाई बात अलग है, तो आप सभी इसको नोट करें भाई, मैं तुम्हें कुछ बताने का और प्रयास करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा, एक सर्वसंभारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है, सड़क पथ जो क्षितिज है 100 मीटर लंबा है तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका है, जिनमें सबसे लंबा तार 30 मीटर सबसे छोटा तार 6 मीटर है, मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात करो। देखो बच्चों, ये एक केबल है परवलय का, ये क्या हुआ रे बच्चों, ये हुआ केबल, इस केबल को आप AB मान लो, AB एक केबल है, और इस केबल से नीचे की साइड ये बेटा क्या है, पुल, ये पुल, ये है पुल, ऐसे इस पुल को बेटा आपने क्या माना PK, ये हो गया इसका मध्य बिंदु, इट इज मिड पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट, और बच्चों ये बना दिया हमने एक्सिस, परवलय का शीर्ष क्या होता है 0 0, तो ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी एक्स डैश, ये होगी बेटा वाई, और ये होगी बेटा वाई का डैश, ठीक है। क्या कहा इसने कि भाई ये पुल जो है PQ, ये परवलाकार केबल से ऊर्ध्वाधर तारों से लटका हुआ है, यानी बेटा एक तार ये है जिससे हमारा पुल लटका हुआ है ऐसे, ये क्यू यहाँ लो बस खत्म करो इधर का, ये पी पे लटका हुआ है ऐसे, एक यहाँ मान लो आप ये लटका हुआ है ऐसे, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। तो और क्या कहा इसने, तो बेटा ये कहता है, समझ गए ना पुल कैसे लटका हुआ, जैसे तुमने देखा नहीं पुल होते हैं जो लटके हुए, ऊपर केबल होता है फिर छोटी छोटी सपोर्टिंग से लटका होता है। चलो भाई अब पढ़ो ध्यान से क्या कहा इसने, ये कहता है एक सर्वसंभारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई सड़क पथ जो एक्सतिज है 100 मीटर लंबा है। भाई ये जो सड़क पथ है जो है 100 मीटर लंबा है, तो 100 का मतलब बेटा 50 इधर की साइड मान लो आप, और 50 इधर की साइड मानना ही पड़ेगा भाई 100 मीटर लंबा है, चलो जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर, तो बेटा जो ऊर्ध्वाधर तार जुड़े हैं, तो ये जो BQ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना बच्चों 30 मीटर, यानी BQ बराबर ये कितना है 30 मीटर लंबा तार, आगे बढ़ो, और सबसे छोटा तार 6 मीटर, AB इसको आप C ले लें, इसको आप D ले लें,
इसको आप ई ले लें, इसको आप एफ ले लें, तो ये कितना बच्चों 6 मीटर, ये कितना भाई 6 मीटर। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी ई बराबर कितना 6 मीटर, सबसे छोटा तार 6 मीटर, मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात करें। तो मध्य से कितनी दूर भाई 18 मीटर। चलो उसे देखें मध्य से कितनी दूर 18 मीटर दूर। ये एक केबल जुड़ा है, ये जुड़ा है भाई एक केबल, तो इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो इसकी लंबाई के लिए भी चलो करते हैं व्यवस्था, इसको आप मान ले ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जी एच की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात ये क्या है बेटा, ओ और ओ के जो निर्देशांक है वो कितने हैं 0 0। आप एक बात बताओ, ये जो केबल है, इस केबल का जो केबल यानी ब्रैकेट में आप लिखो परमाणु का समीकरण, इसका समीकरण क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और बेटा इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, तो इस पर अगर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने तो ये जो एक्सिस है, ये इट इज एक्सिस, नीचे जो पुल है यहाँ तक की आपको दूरी कुछ माननी पड़ेगी, यहाँ तक की दूरी सपोज करो आपने एक्स मान ली, ये एक्स मान ली, ओ से लेके एन मान लो, चलो आप माना मूल बिंदु 0 0 से पुल तक की दूरी ओ एन बराबर एक्स है। बच्चों अगर ओ एन बराबर एक्स है तो ये एक्स सब में से निकल जाएगी, तो अब आप निर्देशांक देख सकते हो इनके कितने कितने होंगे भाई निर्देशांक इनके, आप बी के भी निर्देशांक देख सकते हो, आप सी के भी निर्देशांक देख सकते हो, अब तो कोई समस्या का विषय नहीं रहा है। तो कितने कितने होंगे निर्देशांक तब बी के निर्देशांक देखो भाई बी के, और सुनो एक बात हो रहा है भाई, सबसे छोटा केबल तो यही होगा, तो 6 वाला हमने यहाँ गलत ले रखा है, ये 6 वाला यहाँ लेंगे एक्स बराबर 6, ये थोड़ी सी गलती होगी भाई, इसको आप सी को दिमाग में से निकाल दो भाई, ये होगा 6। दूरी ओ एन बराबर एक्स है जो कि प्रश्न अनुसार एक्स बराबर कितनी है 6। तो बच्चों अगर ये एक्स बराबर 6 है तो ऊपर ऊपर की कितनी रह जाएगी भाई, देखो ये बी के निर्देशांक, तो बच्चों बी के निर्देशांक के लिए एक्स एक्सिस पे कितना चले 50, बी के निर्देशांक के लिए तो सीधा सीधा 50 हो गया, सोचना आप बी के लिए सीधा सीधा कितना हो गया 50। अब वाई पे कितना चले हम बेटा, वाई के लिए क्या टोटल 30 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से लेंगे 30 में से 6 निकाल दो आप नीचे की, ये कितनी रहेगी भाई 24। तो एक्स एक्सिस पे कितना चले बी के लिए हम 50, वाई एक्सिस पे कितना चले हम बी के लिए बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर ऊपर वाली दूरी यहाँ तक के, और नीचे की 6 तो निकालनी पड़ेगी ना इसमें से, ये होगी 24, हालांकि होनी चाहिए थी 30 लेकिन एक्सिस तो ऊपर की तरफ है, तो 50 24। तो अब आप बी के निर्देशांक 50 24 से समीकरण 1 को संतुष्ट करने पर कराओगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो भाई एक्स का जो मान था आपके पास 50, 50 का स्क्वायर बराबर 4ay, और वाई का जो मान है वो कितना है 24। तो यहाँ से 50 का स्क्वायर यानी 50 × 50 और पूरे के अपॉन में 24 बराबर 4ay, तो 2 से काटा 25, 2 से काटा 12, 2 से काटा 25, 2 से काटा 6, तो 25 25 625 625 बटा 6 बराबर 4ay। कहाँ रखने पर मान, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखा हमने तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो बेटा 4ay का डायरेक्ट ही रख दो माना 4ay, तो 4ay का जो मान है 625 बटा 6 इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो आ गया 6x² बराबर 625y। समीकरण
तो बेटा आपका जो केबल है उसकी जो वास्तविक समीकरण है वो कितनी है, 6x² बराबर 625y। अब हमने मान लिया कि 18 मीटर दूर जो केबल लगा है उसकी जो लंबाई है वो कितनी मान ली हमने, एल। ठीक है बच्चों, तो इसकी लंबाई अगर एल है तो जी के निर्देशांक, तो जी के निर्देशांक कितने, एक्स एक्सिस पे चलो आप, एक्स एक्सिस पे कितना चले जी के लिए 18, वाई पे कितना चले बेटा, टोटल एल है तो 6 तो नीचे की निकालनी पड़ेगी, एल माइनस 6। तो 18 और एल माइनस 6 से संतुष्ट करने पर तो आप लिखेंगे समीकरण 2 को 18 और एल माइनस 6 से संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर बेटा एल का मान ज्ञात कर लोगे आप तो जो एल का मान आएगा वही आपका आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग वही लगाना ही पड़ेगा इनमें, है ना, कैसे नहीं काम चलेगा। तो बच्चों 3 मैंने कराए, 4 आप लोगों के लिए खुद ट्राई करोगे, 7 तक आप जिसके करें और उदाहरण तो रह जाएगा बच्चों उनको मैं कराऊँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं।